अभी तुमसे प्यार नहीं करता, he doesn't love you. भले ही तुम उसकी वाइफ हो, ये गले में मंगलसूत्र लटकाने का, मांग में सिंदूर भरने का भले ही कानून इसके लिए हक देता हो, लेकिन प्यार पे कानून का हक नहीं चलता, और स्पेशली मेरे और अभी के लिए तो कभी नहीं. अभी सिर्फ मुझसे प्यार करता है, इस बात का मेरे पास सबूत भी है. यू नो, ऐसा सबूत जिसे देख कर सबकी बोलती बंद हो जाएगी, जो मुझे मेरे अभी से दूर करना चाहते हैं. मतलब ये कि भले ही तुमने मेरे प्यार से शादी कर ली हो, उसे अपना बनाने के सपने देख लिए, पर एक पति को जो शादी के बाद अपनी पत्नी को हक देने चाहिए ना, वो अभी तुम्हें नहीं, मुझे देगा. अब भी नहीं समझी? ये लो, बड़ी बड़ी बातें करने वाली इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाई. प्रज्ञा, एक औरत कंप्लीट तब होती है जब शादी के बाद उसका पति उसे अपने होने वाले बच्चे की माँ बनने का हक, लेकिन अभी तुम्हें यह हक कभी नहीं देगा, क्योंकि वो हक वो मुझे दे चुका है. क्योंकि मैं अभी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. तुम्हारे आने से ठीक पहले मैंने ये प्रेगनेंसी टेस्ट किया, एंड आई एम ग्लैड कि ये पॉजिटिव है. मेरे पेट में पल रहा है मेरा और अभी का प्यार, और इस बात को खुद अभी भी ठुकरा नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा था कि गेट रेडी, तुम्हारी लाइफ में बहुत मुसीबतें आने वाली है, क्योंकि अभी तुम्हें अपने घर से धक्के मार के बाहर निकालने वाला है. अभी मुझसे प्यार करता है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, मेरे और मेरे बच्चे की खातिर. क्या कर रही तुम, यहाँ क्यों लेके आई हो मुझे? मुझे तुम पर भरोसा नहीं. मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, ये तुम्हारा कोई गेम है. कोई भी लड़की अपनी प्रेगनेंसी को लेके झूठ क्यों बोलेगी? तुम दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हो, तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो, और ये जो तुमने झूठा इल्जाम लगाया ना इन पर, वो इस बात का सबूत है. मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, ये इल्जाम नहीं लगा रही हूँ. अभी हमेशा से मेरे इतने ही करीब रहा है. झूठ, क्योंकि किडनैपिंग से लेकर अब तक ये हर वक्त मेरे साथ है. इस दौरान तुमसे मिलना तो दूर, उन्होंने तुमसे फोन पर भी नहीं बात की. हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि मैं कल ही प्रेग्नेंट हुई हूँ? अभी ने मुझे ये खुशी तब दी थी जब तुम्हारा और सुरेश का MMS देख के अभी तुम्हें डिवोर्स देने वाला था. उस वक्त अभी मेरे साथ हर वक्त रहता था. हाँ, ये बात अलग है कि मुझे आज पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि शायद अभी की किडनैपिंग के चक्कर में मैं खुद इतनी टेंशन में थी कि मुझे समझ में नहीं आया. तो फिर तुम्हें इस क्लिनिक में अपना चेकअप करवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? अब चेहरे का रंग उतर गया, डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारा झूठ पकड़ा ना. डर इस बात का लग रहा है कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस करोगी. ऐसा कुछ नहीं होगा, आज तुम्हारी असलियत सामने आएगी. और डॉक्टर, यस, नमस्ते, मैं प्रज्ञा, मैंने फोन किया था आपको. दरअसल इन्हीं का चेकअप, मेरा मतलब है प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना. ठीक है, आप वेट कीजिए, आप आइए मेरे साथ. क्या हुआ डॉक्टर, ये प्रेग्नेंट नहीं है ना? ये प्रेग्नेंट है. बल्कि इन्हें ऑलमोस्ट 1.5 मंथ प्रेगनेंसी है.
इतनी डम कैसे हो सकती हूँ मैं? Damn it! How can I get pregnant? ये न्यूज़ लोगों को पता चली तो मेरा नाम, मेरी इमेज, मेरा करियर सब खत्म हो जाएगा। Oh God, मैं क्या करूँ? और अगर अभी को पता चल गया तो पता नहीं ये सुनके क्या रिएक्ट करेगा। पहले से मुझसे बहुत चिढ़ा हुआ है। अगर ऐसे में मैं उसे ये बात बताऊंगी तो हो सकता है वो मुझसे बात करने ही बंद कर दे। नहीं मैम, मुझे किसी भी तरह ये बात छुपानी होगी उससे और जल्दी कोई सलूशन निकालना होगा। क्या करूं? ओह माय गॉड, कहीं प्रज्ञा ने ये बात अभी को बता दी तो? कुछ भी हो सकता है, बात बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है, इसलिए जो भी करना है पहले उस प्रज्ञा को करने देती हूँ। मेरे कुछ भी कहने से या करने से अभी की दादी तक बात पहुंची तो अभी अपसेट हो जाएगा। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, मैं चुप रहती हूँ। हाँ, वही बेटर होगा। मैं इस वक्त इनसे बात नहीं कर पाऊंगी। ये बालकनी की तरफ क्यों जा रही है?